हैं, मैं हूं निखिल पालीवाल, आप देख रहे हो एनपी पालीवाल टीवी। दोस्तों दोस्तों राहुल गांधी जी का एक बयान आया है पुलवामा अटैक पे कि पुलवामा अटैक से सबसे ज्यादा फायदा किसे हुआ। तो मैं राहुल गांधी जी से ही पूछना चाहूंगा कि आप ही बता दीजिए किसे फायदा हुआ। क्योंकि भाई हमें तो ऐसा लगता है कि पुलवामा अटैक से सबकी हानि हुई है। अब आप कह रहे हो फायदा हुआ, तो आप ही बता दीजिए किसका फायदा हुआ। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि ऐसा बयान देते हो कि उनको ऐसा बयान उन्हें नहीं देना चाहिए था, उनको शर्म आनी चाहिए थी ये बयान देते समय, नहीं देना चाहिए था। मात्र अपने पार्टी को जिताने के लिए या अपनी राजनीति को चमकाने के लिए बयान नहीं देना चाहिए था। और दोस्तों आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जब भी किसी फौजी को देखें तो एक सैल्यूट कर दे दोस्तों। और ऐसा सैल्यूट करना जरूरी है क्योंकि वो हमारे लिए जवान जो जवान है वो हमारे लिए जाता है सीमा पे, किसी और के लिए नहीं जाता। वो हमारे लिए सीमा पे लड़ता है, हमारे लिए मरता है वो। इसलिए उनको एक सैल्यूट तो बनता है, तो एक सैल्यूट जरूर किया कीजिए दोस्त। सैल्यूट टू इंडियन आर्मी दोस्तों। दोस्तों आप हमेशा ऐसे नेता को सपोर्ट करें, ऐसे पॉलिटिकल लीडर को आगे लाएं जो हमारे देश के बारे में सोचता हो, देश हित के बारे में सोचता हो, जिसके मन में देश के प्रति इमोशन हो, देश के प्रति जज्बात हो। ऐसे ही नेता को आगे लाने की कोशिश करें, ऐसे ही नेता को सपोर्ट करें, ना कि ऐसे नेता को सपोर्ट करें जो देश में रहता ही ना हो, आधे से ज़्यादा दूसरे देशों में रहता हो, जिसके मन में देश के प्रति कोई इमोशन ही नहीं हो, ना देश के लोगों के प्रति कोई जज्बात हो, ना देश के प्रति कोई देशभक्ति हो। ऐसे नेता को सपोर्ट ना करें दोस्तों। और एक आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, जो बंदा जो ऐसा बयान दे रहा है, मैं किस बयान की बात कर रहा हूँ आप समझ गए होंगे, जो ऐसा बयान दे रहा है वो क्या उसमें देशभक्ति हो सकती है? क्या उसमें जज्बात हो सकते हैं? क्या उसमें देश के प्रति, देश के लोगों के प्रति इमोशंस भावनाएं हो सकती है दोस्तों? मुझे आप ही बता दीजिए। मैं तो मेरे नज़रिए में तो नहीं हो सकती दोस्तों। इसलिए हमेशा ऐसे नेता को सपोर्ट करें जिनके जो देश के लिए कुछ करना चाहता हो दोस्तों। और इन मामलों में मैं हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की तारीफ करना चाहूँगा, क्योंकि उनके जैसा प्रधानमंत्री, उनके जैसी देशभक्ति मैंने किसी प्रधानमंत्री में आज तक नहीं देखी दोस्तों। और मैं तो उनसे बहुत इंस्पायर्ड हूँ दोस्तों, और मुझे लगता होगा आप भी उनसे बहुत इंस्पायर्ड होंगे दोस्तों। क्योंकि ऐसे कठोर फैसले, 375 से हटाना, अयोध्या मंदिर पे फैसला आना, 3 तलाक बिल पास होना, CA NRC, हाँ दोस्तों CA NRC पे जो अफवाहें फैलाई जा रही है वो बिल्कुल गलत है दोस्तों। बिल्कुल सही बिल है, देश हित का बिल है, इससे देश के नागरिकों को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है दोस्तों। CA NRC का बिल पास होना, आज ऐसे अनेक कठोर फैसले हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने लिए हैं, और इन फैसलों को लेने के लिए कठोर जिगर चाहिए दोस्तों, जो हर एक के पास नहीं होता दोस्तों। इसलिए हमेशा अच्छे नेता को सपोर्ट करें दोस्तों, अच्छे व्यक्ति को सपोर्ट करें। और मुझे लगता है आप सबको भी ये पता होगा कि ऐसे फैसले लेने के बाद उनकी आज अनेकों दुश्मन भी पैदा हो गए हैं, हर पल उन पर दुश्मनों की नज़र टिकी हुई है दोस्तों। क्योंकि ऐसे जब फैसले लेते हैं तो बहुत लोग खुश होते हैं तो बहुत लोग दुखी भी होते हैं दोस्तों। इसलिए फैसले लेने के लिए जिगर चाहिए, फैसले लेने के लिए वो साहस भी चाहिए दोस्तों। इसलिए आप मात्र किसी पार्टी को सपोर्ट करने के लिए अच्छे नेता का विरोध मत कर देना दोस्तों। मैं किसी भी पार्टी का ना तो सपोर्टर हूँ ना विरोधी हूँ, लेकिन अगर कोई बंदा, अगर कोई आदमी व्यक्ति हमारे लिए सही काम कर रहा है तो मैं उसका किसी भी पार्टी के लिए ना तो विरोध कर सकता हूँ ना बात। क्योंकि तो मुझे तो हमारे प्राइम मिनिस्टर एकदम बेस्ट लगते हैं, एकदम सही लगते हैं। और उनसे अगर हर भारत का एक युवा इंस्पायर हो जाए तो भारत की जो स्थिति है उसका क्या पलट भी हो सकता है। क्योंकि तो मोदी जी ने हमारे देश में जो काम किया वो किसी ने नहीं किया, वो हर एक बंदा जानता है भारत का। लेकिन मात्र इन पार्टियों के राजनीति की उलझ झोल में, सब उलझनों में फंसे हुए हैं, वो अच्छे व्यक्ति के कामों को देख ही नहीं पा रहे। इसलिए हमेशा सही नेता को सपोर्ट करो दोस्तों, अच्छे नेता को सपोर्ट करो, अच्छे पॉलिटिकल लीडर को सपोर्ट करो दोस्तों। ज़्यादा लंबा नहीं बनाना दोस्तों वीडियो। अब मेरा ये वीडियो का मात्र एक उद्देश्य था कि हमारे जो जवान शहीद हुए हैं पुलवामा अटैक में, उनको मैं श्रद्धांजलि लेना चाहता हूँ दोस्तों। उनके बलिदान को हमेशा आप भी याद रखिएगा दोस्तों, मैं भी याद रखूंगा, और ये पूरा देश याद रखेगा। क्योंकि उनका बलिदान अमर है और वे हमारी मन में अमर है दोस्तों। क्योंकि वे हमारे लिए शहीद हुए हैं, वे केवल और केवल हमारे लिए वहाँ पर सीमा पर जाते हैं दोस्तों। इसलिए उन्हें सैल्यूट मार दीजिए, आप भी मार दीजिए दोस्तों। सैल्यूट टू इंडियन आर्मी, सैल्यूट टू आर प्राइम मिनिस्टर, सैल्यूट टू आर नेशन। हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय हिंद, जय भारत। और दोस्तों गुड बाय। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।